प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ 3 आत्मोत्सर्ग नामक पाठ को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं प्रिय बच्चों कि आत्मोत्सर्ग का अर्थ क्या है। प्रिय बच्चों, आत्मोत्सर्ग का अर्थ होता है आत्मा का उत्सर्ग, अर्थात आत्मा या मन को ऊंचाई पर ले जाना। प्रिय बच्चों, ये जो पाठ है ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है और आत्मोत्सर्ग का अर्थ मैंने अभी बताया है कि आत्मा का उत्सर्ग, अर्थात अपने आत्मा या मन को ऊंचाइयों पर ले जाना। प्रिय बच्चों, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है हमें साहस की, क्योंकि बिना साहस किए हम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को किसी भी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते हैं। अब लेखक ने यहाँ पर साहस की भी 3 श्रेणियां बताई हैं। नंबर 1 है इसमें निम्न श्रेणी का साहस, निम्न श्रेणी का साहस जो कि सबसे नीचे स्तर का साहस होता है। प्रिय बच्चों, इस निम्न श्रेणी के साहस में व्यक्ति अपनी अच्छी या बुरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई साहस दिखाता है। इसके अंतर्गत एक उदाहरण आता है रावण का। रावण ने सीता का हरण किया किस हेतु? अपनी गंदी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु। साहस तो उसने भी किया था, परंतु ये साहस उसका निम्न श्रेणी का साहस था, जिसे हम दुस्साहस भी कह सकते हैं। अब इसमें दूसरा आता है मध्यम श्रेणी का साहस। मध्यम श्रेणी का साहस, प्रिय बच्चों, मध्यम श्रेणी के साहस में एक व्यक्ति द्वारा किसी समाज के छोटे से हिस्से या देश के छोटे हिस्से या जाति विशेष के लिए जो साहस दिखाया जाता है उसे हम मध्यम श्रेणी का साहस कहते हैं। इसमें उदाहरण आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए कार्य शुरू किया था तब उनका कार्य देश के लिए था, परंतु धीरे 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 उनका कार्य अपनी जाति पर आकर सिमट गया है। तो इसे कहते हैं मध्यम श्रेणी का साहस। अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी के साहस की, जिसे कहते हैं उच्च श्रेणी का साहस। बच्चों, उच्च श्रेणी का साहस दिखाने के लिए हमें बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है, जैसे बुद्धन ने साहस किया था। बुद्धन का अपने राजा से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, अनबन हो गया, अनबन हो गई और वह अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगा। परंतु जैसे ही उसने सुना कि शत्रुओं ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया है, वह अपने 150 सैनिकों को लेकर आया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। और अपने देश को विजय दिला दी। जिस समय वो शत्रुओं पर आक्रमण कर रहा था उस समय उसने अपने मन में ये बात कदापि नहीं आने दी कि मेरे राजा ने मेरा अपमान किया है और मैं उनकी सहायता के लिए ना जाऊं। उसने अपना फर्ज समझा, अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि उच्च श्रेणी के साहस में कर्तव्य प्राणता अति आवश्यक होती है। इस पाठ में आप बच्चों साहस की ही बात सुनेंगे।